नमस्ते किसान भाइयों, मैं रामबीर बुरा, गांव गिराए, जिला हिसार, हरियाणा से। मेरा मोबाइल नंबर 9999100067। आज किसान भाइयों, मैं आपको कैल्शियम के बारे में कुछ, जो पौधे में हमारे काम करता है, उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। कि जैसे ये मेरी गेहूं की फसल है जो आपको दिखाई दे रही है, पूरा ये सब गेहूं की फसल है। तो इसमें मैंने एक डेमो करके देखा, जहां अभी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, यहां मैंने कली के स्प्रे किए, तीन तीन स्प्रे कली के किए जी। कली चूना, बुझा हुआ चूना मैंने क्या किया, बुझा हुआ चूना को पहले वैस डिकम्पोजर के तैयार घोल में डाल दिया। तो उसको 7, 8, 10 दिन तक उसके अंदर रखा, हिलाते रहे उसको, और उसके बाद उसमें यहाँ स्प्रे किया उसका। जैसे आप दिखाई दे रहे थे, सफ़ेद पत्ते हैं बिल्कुल, तीन स्प्रे किए इसके, यहाँ तीन स्प्रे किए उसके कली के। और ये करने का बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ कोई अड़ चेपा माहू, जिसको बोलते हैं रस चूसने वाला कीट, एक भी नहीं है भाइयों, यहाँ एक भी नहीं है। और ये यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरी सीसम है, यानी कि कहते कि छाँव में जल्दी ज़्यादा होता है ये अड़ माहू चेपा, लेकिन यहाँ वो नहीं है। और ये मैंने किया था बाली आने से पहले, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका स्प्रे किया, ज़्यादा मात्रा में कली का यूज किया, चूने का यूज किया, ताकि पौधे को कैल्शियम मिल सके। और कैल्शियम मैंने कहीं से सुना था, किसी ने मेरे को बताया था कि कैल्शियम रस चूसक कीटों के लिए जहर का काम होता है, जहर का काम करेगा वो, उसको पचा नहीं पाते कैल्शियम को। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि पौधे के अंदर कैल्शियम चली गई, और यहाँ शायद इसीलिए कीट नहीं आए होंगे, शायद इसीलिए वो तेला चेपा माहू नहीं आया। और हमारे कुछ फार्मरों को ये डाउट था, करने से पहले मुझे भी डाउट था, कहीं ज़्यादा मात्रा में डालेंगे पत्ते जल ना जाए, बालियाँ कमज़ोर ना आए, लेकिन बालियां बहुत अच्छी आई। आप ये दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कोमल, बढ़िया फुल बाली, लंबी बाली, जैसे आपको दिखाई दे रही है, मैं दिखाऊं, ये जितनी बालियां सब बाद में आई है, ये जो बाली ये देखो अभी पूरी निकली भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी बाली, जैसे दूसरी है सब अच्छी। और इसमें अपने कोई मित्र कीट की भी आने दे, ये मैं आपको दिखा दे रहा, ये अपना मित्र कीट है, जो इसको अल को माहू को खाता है, तो ये भी है सारे, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। तो आप जिस भी फसल में आपको तेला चेपा, जैसे अभी अपने कपास में बाड़ी में आएगा वो ब्लैक, वो वाइट फ्लाई बोलते हैं जिसको, और तो वो आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये यूज करो जब आपको वो आए, उससे करीबन 3 स्प्रे इसके निकालो पहले, इसका नुकसान कुछ भी नहीं, गेहूं में तो है नहीं। आपको डाउट हो तो कहीं थोड़ी जगह में करके देख लेना, आपको अच्छा लगे। लेकिन जो मित्र ये कीट है, ये इसमें बहुत सारे हैं, मेरे को आपको शायद वीडियो में ना दिखाई दे, लेकिन इस कोने में बहुत ज़्यादा है, खूब है, सारा भरा पड़ा है, ऊपर बैठ के दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद, नमस्ते।